नमस्कार दोस्तों, मैं परेश पीबी न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आप भी कोई DSLR में जैसे फोटो निकालते हैं, DSLR में जैसे फोटो को इफेक्ट मिलता है, वैसे आपको भी अपने मोबाइल में निकालना है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए और एंड तक देखिए। मैं आज आपको सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन की मदद से आप बहुत ही अच्छा फोटो इफेक्ट दे सकते हो। आपके पास DSLR नहीं होगा तो भी चलेगा, आपके मोबाइल से आप DSLR का इफेक्ट दे सकते हो आपने फोटो को। तो उसके लिए क्या करना है, पहले मैं आपको एग्जांपल फोटो दिखा देता हूं फ्रेंड्स कि मैंने किस फोटो को ये इफेक्ट दिया है और ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मैं मेरे गैलरी में जाके दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है और इसमें आपको करना क्या होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा ओरिजिनल फोटो है, आप देख लीजिए, ओरिजिनल फोटो है मेरा ये, तो उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। जैसे कि DSLR में क्या होता है, पीछे वाला भाग जो होता है ब्लर हो जाता है और हमारा फोटो सिर्फ फोटो अच्छा आता है, पीछे का कुछ उसमें ज़्यादा दिखता नहीं है। और हमारे पास DSLR तो नहीं होता है तो हम उसमें फोटो अच्छे से ठीक से खींच नहीं पाते। लेकिन अभी देखिए, इस फोटो को देखिए फ्रेंड्स, फुल्ली DSLR जैसा लग रहा है और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको एडिट किया गया है किसी एप्लीकेशन में, ऐसा कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, फुल्ली एडिटेड लग रहा है फ्रेंड्स। और ये फोटो देखिए, इसमें सिर्फ मैं ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ और पूरा जो बैकग्राउंड है ये पूरा ब्लर होके ग्रीन कलर में यहाँ पे ओरिजिनल इफेक्ट में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कैसे पॉसिबल है फ्रेंड्स, ओरिजिनल DSLR में जैसे फोटो खींचा जाता है वैसा ये सेम दिख रहा है। आपको भी अपने फोटो के ऐसा करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो पूरा देखना होगा, बाकी कुछ नहीं करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एक्चुअली अभी क्या करना है। सपोज इस फोटो को मैं आपको अभी फिर से करके दिखाता हूँ, इसमें इफेक्ट की सही में होता है कि नहीं होता है। इस फोटो को मैं उस एप्लीकेशन में शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन में उस फोटो को ऐड कर देता हूँ। दोस्तों, आपके सामने मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें साइड में हमारा सामने फोटो आ रहा है और साइड में हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको पहले वाले ऑप्शन और तीसरे वाले ऑप्शन पे यहाँ पे काम रहेगा। तो आपको जैसे पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपके फोटो पे ऐसे एक लाइन यहाँ पे डाल देनी है। जैसे ही मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे आपके तीसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके बैकग्राउंड में जितना भी हिस्सा है उस पर आपको एक ऐसी लाइन मार देनी है फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैं अभी आपके सामने इसी लाइन मार दी है तो अभी क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा फोटो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अभी ये फोटो सिलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अभी मेरे हाथ के जो आपको हिस्सा दिख रहा है, हाथ का हिस्सा मुझे यहाँ पे ऐड किया हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको भी दिख रहा होगा हाथ का हिस्सा मेरा यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली नॉर्मल सा यहाँ पे जूम करना होगा। जूम करने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मिनट, मेरे से फिर से कट हो गया, ऐसे मैं ले लेता हूँ इसको और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हाथ का हिस्सा है यहाँ पे, सिंपली मैं फिर से वो एक बार हाथ का जो एक नंबर का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूँगा तो ये हाथ का भी हिस्सा उसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा मेरा हाथ का जो हिस्सा आया नहीं उसमें, तो सिंपली मैं फिर से उस पर एक लाइन मार दूँगा और लाइन मारने के बाद फिर से हम देखते, एक मिनट गलती से हो गया, फिर से हम इस पर एक लाइन मारते और फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेते। तो इसको मैंने फिर से एक बार ले लिया, फिर से पूरा इसमें हाथ नहीं आया फ्रेंड्स, तो फिर से मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर लेता हूँ। पूरे का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स हमें। तो सिंपली मैं आपके सामने वीडियो को कोई भी पॉज नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं पूरा का पूरा वीडियो इसमें ले रहा हूँ और आपके सामने मैं इसको लेके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा मेरा जो हाथ है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे का जो बैकग्राउंड का हिस्सा दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ मैं गलती से ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो इसको मैं बैकग्राउंड के हिस्सों को यहाँ पे कट कर लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे का जो बैकग्राउंड है इसको मुझे यहाँ पे नहीं लेना है तो उसको मैं कट कर देता हूँ और ये फोटो हो गया हमारा एडिट। तो अभी क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे फ्रेंड्स आप, तो आपका फोटो DSLR जैसा बनके रेडी हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, DSLR जैसा इफेक्ट आपके फोटो को मिल गया। और सपोज आपको यहाँ पे ब्लर ज़्यादा करना है तो ब्लर पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ब्लर आप यहाँ पे ऊपर से बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लर को बढ़ाते हो फ्रेंड, तो आपका पीछे का जो ज़्यादा पीछे का जो हिस्सा होता है वो ज़्यादा ब्लर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से वो ज़्यादा कर सकते हो, और आपको कम चाहिए होगा तो आप यहाँ से उसको कम भी कर सकते हो फ्रेंड्स। आपके हिसाब से आपको जैसे एडजस्ट करना है वैसे आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको फिल्टर के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंपली फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फिल्टर मिल जाते हैं। ये सिर्फ आपके फोटो पे अप्लाई होगे, बाकी कहीं पे अप्लाई नहीं होगे। आपको जहाँ पे चाहिए होगा वहाँ पे आप इसको अप्लाई करके जो फिल्टर चाहिए होगा उस फिल्टर
फिल्टर में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो सिंपली मुझे जो फिल्टर चाहिए उसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, ये फिल्टर मैं ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये जो फोटो है यहाँ पे सेव होके मेरे गैलरी में कहीं पे भी नहीं लग रहा है फ्रेंड्स कि इस फोटो को कहीं एडिट किया गया है। पूरा का पूरा ओरिजिनल यहाँ पे दिख रहा है फोटो, और दिखने में भी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि DSLR में इसको निकाले गया है इस फोटो को, और DSLR में उसको एडिट किया गया है फ्रेंड्स। तो ज़रूर इस एप्लीकेशन को यूज़ करके देखिएगा, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती है फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।